वो देखो पुष्पक विमान, उसी पर आरूढ़ होकर आ रही है प्रभु श्री राम की सेना। प्रणाम प्रभु, प्रणाम ऋषिवर, श्री राम, श्री राम, राम। देवेश्वरी, ये प्रसन्न भी अनंत काल तक संसार के समक्ष एक उदाहरण के रूप में रहेगा। अब इसमें हस्तक्षेप से श्री राम के नाम और हनुमान की भक्ति की अवमानना होगी, इसलिए जो होना है उसे हो जाने दीजिए। जिन हनुमान जी ने इनके और इनके परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपनी सेना के साथ उन्हें हनुमान जी के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होने में तनिक भी झिझक नहीं हो रही है इन्हें। प्रतीत होता है व्यर्थ रहा हनुमान जी का। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो, ये तो बस परिस्थितियों का संयोग है। परिस्थिति मनुष्य को ही नहीं, भगवान को भी वो सब करने पर विवश कर देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एकमात्र भक्ति ही है जो कभी भी विवशता का आभास नहीं होने देती। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भक्त को मुस्कुराने का साहस देती है। किंतु अब इस परिस्थिति की यही मांग है कि आप काशीराज को हमारे सुपुर्द कर दें। हनुमान जी, मेरे मार्ग में मत आइए महाराज सुग्रीव, हमें काशीराज को ले जाने दीजिए। नहीं राजकुमार लक्ष्मण, मैं आपके मार्ग से नहीं हट सकता हूं, क्योंकि हनुमान के वचन की रक्षा में मैं उनके साथ हूं। अर्थात आप प्रभु श्री राम के विरुद्ध हैं। प्रभु श्री राम के विरुद्ध हैं। अपनों को अपनों के ही विरुद्ध युद्ध करते देखना अत्यंत पीड़ादायक लग रहा है। रुक जाइए आप सब, रुक जाइए, एक दूसरे से युद्ध ना कीजिए। रोक दीजिए इस आपसी युद्ध को। मेरी बात सुनिए,
सुनिए मेरी गुहार। इस घोर अनर्थ का ना जाने क्या परिणाम निकलने वाला है। आज मेरी भी वही अवस्था जो उस दिन माता पार्वती की थी, जब प्रभु महादेव और पुत्र हनुमान युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। उस युद्ध का तो कोई बड़ा उद्देश्य था, किंतु इस युद्ध में क्या रहस्य है मुझे भी ज्ञात नहीं। भाभी माँ, मुझे कुछ और नहीं बस इतना ज्ञात है कि अपनों के इस युद्ध में अपनों को ही पराजित कर विजयी होने को पराजय ही कहा जाए। इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हो सकती। इसके पूर्व कि कोई गंभीर रूप से आहत हो, मुझे ये युद्ध रोकना ही होगा। रण की स्थिति बन ही आई, सेना परस्पर सम्मुख आई। युद्ध मध्य कपि चले आए, वार स्वयं पर सहते जाए। जय श्री राम। इस विध प्रभु से लड़े कपिराई, रो किरण सो उपाय सुझाई। मातृ वचन पालन के लाए, हनुमत कितने जतन अपनाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या कर रहे हैं आप सब लोग, तनिक देखिए तो सही। जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो कोई पराए नहीं, आपके अपने ही तो हैं। महाराज सुग्रीव, ये सेना उन्हीं प्रभु श्री राम की है जिन्होंने वाली का वध करके आपको राजा बनाया। राजकुमार लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव और उनके वानर सैनिक वही हैं जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना आपके और प्रभु श्री राम के साथ लंका गए थे। और इस युद्ध से सर्वाधिक पीड़ा तो प्रभु श्री राम को ही हो रही है। हम भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते हनुमान जी। हाँ शत्रुघ्न भैया, इससे दोनों सेनाओं को पीड़ा और ग्लानि का ही आभास हो रहा है। किंतु हनुमान जी, युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प भी तो नहीं है। है, एक विकल्प है। यदि मेरे प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आकर अपने बाण से मेरा वध कर दें। ना ही मेरा वचन टूटेगा और ना ही उनके वचन की मर्यादा खंडित होगी। अपनी रक्षा के लिए मैं श्री राम की सेना को दो भागों में बंटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब ये युद्ध केवल और केवल मेरे और मेरे प्रभु के मध्य ही होगा, इस भक्त और उसके भगवान के मध्य ही होगा। हनुमान जी, हमें काशीराज को ले जाने दीजिए। इस अनहोनी को घटित होने से रोक लीजिए। ये तो आपको भी ज्ञात है कि आपके ऊपर किया गया श्री राम का एक भी वार उनके स्वयं के हृदय पर खड़क का प्रहार है। राजकुमार शत्रुघ्न, ये युद्ध ना तो दो सेनाओं के मध्य है और ना ही मेरे और मेरे प्रभु श्री राम के मध्य। ये तो आदर्शों का युद्ध है। इसलिए अब काशीराज को ले जाने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम का मुझसे युद्ध करना अनिवार्य है। मैं
मैं आपके वचन पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं राम। आपके वचनानुसार शीघ्र ही काशीराज का उसके शरीर से विलग हुआ शीश यहां होना चाहिए मेरे चरणों पर। क्या हुआ राम, आज आप अपना वचन पूर्ण करने में अक्षम हैं। यदि आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं तो मैं भी अपना वचन तोड़ने के लिए बाध्य हो जाऊंगा राम। शापित करूंगा काशीराज को। लेकिन स्मरण रहे, ऐसा करने से रघुकुल की रीत सदा के लिए समाप्त हो जाएगी राम। आपका मौन ही आपका उत्तर है राम। समझ गया मैं, आप अपना वचन पूर्ण करने में असमर्थ हैं। भूल थी मेरी श्री राम कि मैं आपके पास आया। रुक जाइए गुरुवर। रघुकुल रीति भंग नहीं हो सकती। आपको दिए हुए वचन को सार्थक करने के लिए मैं हनुमान से युद्ध करूंगा। युद्ध करूंगा। सम्मुख भक्त खड़े भगवंता, इत श्री राम तो उत हनुमंता। देव अवाक हो दृश्य ये देखा, अविश्वास मह वानर सेना। राम सिया राम जय हनुमान। राम दुखी मन धनुष को तानी, हनुमत लाज गदात भारी। दो ओर विवशता छाई, पीड़ित दो कपी रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। मैं अंजना आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप मेरी शरण में हैं आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा पुत्र हनुमान करेगा आपकी रक्षा। अपनी माँ के वचन की लाज रखने हेतु हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा। या तो मेरी गदा इतनी भारी हो गई है या फिर प्रभु के समक्ष इतना शक्तिहीन हो गया हूँ मैं, जिसके कारण ये गदा मुझसे उठ ही नहीं रही है। अब क्या करेगा पुत्र हनुमान? प्रभु के लिए उसकी भक्ति उसे अस्त्र नहीं उठाने दे रही है और अपनी माता के लिए भक्ति उसे पीछे नहीं हटने दे रही है। माता पार्वती और माता अंजना के समान इस माँ को भी अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। वो इस परिस्थिति से बाहर आने का उपाय निकालकर इस युद्ध को अवश्य रोक लेगा। आप उचित कह रही है भाभी माँ। आज तक प्रभु श्री राम की महिमा से, उनके नाम के उच्चारण से मेरी सभी दुविधाएं दूर हुई हैं और मुझे विश्वास है ये भी होगी। काशीराज जी, आपको स्मरण है मैंने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा के बारे में आपसे क्या कहा था? प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है
अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखने का, उस नाम पर विश्वास रखने का जिस नाम के बल पर हम श्वास लेते हैं, जो यदि उस नाम का जाप करते करते रुक भी गई तो कोई खेद नहीं। इसलिए काशीराज, आप पूर्ण निष्ठा से उस नाम का जाप प्रारंभ कीजिए। राम 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 राम। हे प्रभु श्री राम, अब मैंने अपना जीवन नियति पर छोड़ दिया है। अब यदि मेरे प्राण भी छूटेंगे तो आपका नाम जपते हुए ही छूटेंगे। जय श्री राम। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान, मैं तुम्हें अपनी रक्षा करने का एक अवसर और देता हूँ। दे दो काशीराज को मुझे। प्रभु, यदि मैंने ऐसा किया तो आपसे सीखी मर्यादा तो खंडित होगी। जिस प्रकार आपने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार अपनी माता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए आपके हाथों मृत्यु स्वीकार करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। एक बार पुनः सोच लो हनुमान, क्यों अपने प्राणों को खोने का हट कर रहे हो? प्रभु, मेरा तो जीवन ही आपको समर्पित है। जीते जी आपकी सेवा करूंगा और मृत्यु के पश्चात भी आप में ही समाहित होऊंगा। आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। इसलिए आप बिना किसी दुविधा के मुझ पर बाण चलाइए प्रभु। तो फिर मेरा क्या होगा हनुमान? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरे संकट हरेगा? कौन मुझे समय समय पर उचित सुझाव देगा? प्रभु, इस प्रकार दुखी मत होइए। आप तो मेरे प्राण हर कर मुझे इस संसार का सबसे बड़ा सुख देने जा रहे हैं। राम राम। मैं यहां विलाप प्रलाप देखने सुनने नहीं आया। आप अपना वचन पूरा करते हैं राजा राम, या मैं तोड़ दूं अपना प्राण। राम 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 राम। श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम 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 जय श्री राम राम।
राम। इतनी व्यग्र क्यों हो रही हूँ मैं? पुत्र हनुमान सुरक्षित तो है? कैसा दुर्भाग्य है, मेरा अजूब बाण आज हनुमान पर ही लक्षित है। हनुमान! के समर्थ और सशक्त हाथों में रघुकुल रीत की मर्यादा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। श्री राम, मुझे आप पर गर्व है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा जैसे कुछ अनर्थ घटित हुआ हो? नहीं नहीं, मेरे स्वामी और मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं हो सकता। हे माता, उनकी रक्षा कीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही प्रिय भक्त हनुमान पर घातक बाण से प्रहार कर दिया। हनुमान, मैं विवश था, अपनी मर्यादा से बंधा था। तुम्हारे प्राण हरने के लिए मुझे क्षमा करना हनुमान। आश्रम की मर्यादाओं को लांघने और मेरी तपस्या भंग करने का यही उचित दंड था काशीराज। तुम्हारे कारण ही आज तुम्हारा और हनुमान का अंत हुआ। परिस्थिति कठिन परीक्षा लेती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए व्यक्ति को सदैव तत्पर रहना चाहिए और सदैव मर्यादा के साथ धर्म का पालन करना चाहिए।